नमस्कार दोस्तों, टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि मोगरा, जिसे हम जासमीन भी बोलते हैं, इस प्लांट की केयर कैसे करें और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मोगरा प्लांट की, तो जो मोगरा प्लांट होता है, जो इसके फ्लावर होते हैं बहुत ही खूबसूरत, और जो इसका महक होता है, महक इसके जो होते हैं बहुत ही भीनी खुशबू वाले होते हैं। अगर आपके घर में, आपके गार्डन में मोगरे के प्लांट अगर लगे हुए हैं, तो इसके जो खुशबू होते हैं, इसके खुशबू से आपके जो गार्डन है तरोताज़ा हो जाता है और बहुत ही सुगंधित इसके जो महक हैं आपके पूरे गार्डन में फैल जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मोगरा प्लांट है, ये हमारे जो मिट्टी का पॉट है इसी में लगा हुआ है, और मिट्टी का पॉट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है हर प्लांट के लिए। और ये मोगरा का प्लांट जो है, आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसका जब आप अगर ज़मीन में प्लांट को लगा देंगे तो इसका ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है। ऐसे आप गमले में भी अगर लगाए हैं तो अगर इसकी केयर अच्छा से करें तो इसका ग्रोथ और इसका जो फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशबूदार हमेशा होते रहेगा। तो जो मोगरा प्लांट होता है और जो इसके फ्लावरिंग होते हैं, ज़्यादातर ये फ्लावरिंग जून के महीने से लेके आपके जो अक्टूबर नवंबर तक हैं वो फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि इसका जो सीज़न होता है फ्रेंड्स वो गर्मियों से लेके बरसात तक ही रहता है, और इसका जो फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है इस महीने में। तो आपके भी अगर जो प्लांट हैं अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज आपको इसकी जानकारी दूंगा कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहे तो आप क्या क्या करेंगे, और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मोगरा प्लांट है, यहाँ से बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग किया हुआ है, यहाँ पे भी फ्लावरिंग किया हुआ है, यहाँ पे भी फ्लावरिंग किया हुआ है, और इधर भी फ्लावरिंग किया हुआ है। तो इस प्लांट में जो फ्लावरिंग है फ्रेंड्स, अभी बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग किए हुए हैं, तो ये खूबसूरत दिख रहा है अभी प्लांट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो मोगरा प्लांट है, तो इसके जो सोइल हैं कैसे होने चाहिए, जो इसके मिट्टी हैं, अगर जब हम प्लांट को, नए प्लांट को लगाते हैं कटिंग के द्वारा या तो प्लांट के द्वारा, तो कैसे लगाएं और कैसे मिट्टी में लगाएं, तो इसके लिए आपको एक खास बात की ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए जो है फ्रेंड्स, आपको वेल ड्रेन सोइल चाहिए, जिसमें कि आप बलुई मिट्टी ले लें, जिसमें रेत की जो ज़्यादा हो उसके मात्रा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस प्लांट के लिए। जो मैंने इसमें पॉटिंग मिक्स बनाया था, तो इसमें मैंने रेत की जो मात्रा है 50% ही ले लिया था, तो बहुत ही अच्छा था 50% रेत, और नॉर्मल सोइल लिया था मैंने 30%, और वर्मी कंपोस्ट और काउडंग है आपके पास, तो आप मिक्स करके इसके जो इसका पॉटिंग मिक्स है तो बना सकते हैं, जिससे कि इसका जो फ्लावरिंग है, जो इसका ग्रोथ है बहुत ही अच्छा होते रहेगा। और आप ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो इसके जो पत्ते हैं फ्रेंड्स बहुत ही चमकदार, और इसके जो फ्लावरिंग के कलर हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा दिखेगा। आपका प्लांट ही देख के लगेगा कि हाँ, आपका प्लांट जो है, हम बात करें कि इसमें जब हम वाटरिंग करते हैं तो कितना करें और कब कब करें, तो इसमें जो फ्रेंड्स अगर वाटरिंग करें, अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप वाटरिंग 2 टाइम करें तो बेस्ट रहेगा इस प्लांट के लिए। अगर अदर सीज़न है, जैसे कि गर्मियाँ कम होने लगे और जैसे बरसात का सीज़न है, तो बरसात में आप इसमें वाटरिंग बहुत ही कम करें, अपने आवश्यकता के अनुसार करें, और ऐसा ध्यान रखें कि अगर इसमें हम वाटरिंग कर रहे हैं तो वाटरिंग रुके नहीं, और इसमें जो वाटरिंग है, अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, ओवर वाटरिंग, तो इसमें फंगस आ सकते हैं, और इसके जिससे कि आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो आवश्यकता के अनुसार ही आप वाटरिंग करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटरिंग करना, ज़्यादा धूप है, या तो इसमें लगे कि आपका जो ये प्लांट है, अगर इसके मिट्टी में, सोइल में जो नमी है नहीं है, तो आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए बेस्ट रहेगा प्लांट के लिए। आप ये बात की ध्यान रखें कि इसमें वाटरिंग ज़्यादा नहीं करना है। दोस्तों, जो मोगरा प्लांट होते हैं, जासमीन प्लांट, इसे हम 6 आवर के फुल सनलाइट में रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका जो प्लांट है और इसका जो पत्ते हैं और इसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा होते रहेगा, और इसका फ्लावरिंग भी कभी रुकेगा नहीं। आपके जो सीजनल प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करेगा, हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहेगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इसे इंडोर कभी ना रखें, इंडोर रखने से जो इस प्लांट का ग्रोथ है वो रुक जाएगा, तो आप इसे सनलाइट में ही रखें जहाँ तक हो सके, तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस प्लांट के लिए। बात कर रहा हूँ कि ये जो मोगरा प्लांट है, इसकी मैं केयर कैसे करूँ,
तो इसका जो केयर करना है फ्रेंड्स, जैसे इसमें अगर इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा टाइम टू टाइम इसका केयर करना होगा। इसमें आपको जैसे अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रहे हैं तो इसकी थोड़ी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके इसमें अगर आपके पास DAP है तो DAP आप इसमें अगर डाल दें, जैसे छोटे प्लांट है, जैसा कि ये प्लांट है, तो मैं इस प्लांट में थोड़ा DAP डाल देता हूँ। जैसे कि ये प्लांट है तो मैं आपको प्लांट में जो DAP है वो डाल के दिखाऊंगा कि मैं कितने मात्रा में डालता हूँ और कब कब डालता हूँ। तो ये बात की ध्यान रख लें कि जो प्लांट होता है, ये मोगरा प्लांट, आप इसमें 2 महीने के अंतराल पर अगर आप DAP डालेंगे, जैसे ये प्लांट है, तो इसमें आप 5 से 10 दाने ज़्यादा हैं इस प्लांट के लिए, जो इसका साइज है इस प्लांट से। अगर बड़े प्लांट है तो आप 10 से 15 डाल सकते हैं, जो DAP के दाने हैं, तो अच्छा रहेगा और इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप DAP डालते रहेंगे जैसे 2-2 महीने के अंतराल पे, तो जो ये फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग होने लगेंगे और ये फ्लावरिंग रुकेगा नहीं, बहुत ही अच्छा मैं होगा। बात कर रहा हूँ कि इसमें जो फर्टिलाइज़र है, जो मैं DAP का बात किया अभी, तो DAP हम कैसे दें और कितने मात्रा में दें, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसमें कितने मात्रा में DAP देता हूँ। तो मैं अब ये मोगरे प्लांट को जो है इसका थोड़ा गुड़ाई कर देता हूँ, इसके सॉइल का। देखिए थोड़ा धीरे धीरे सोइल का जो गुड़ाई कर देने से क्या होता है, आप भी अगर आपके पास मोगरे का प्लांट है तो आप ज़मीन में भी लगा हुआ है या पॉट में भी लगा हुआ है, तो इसके गुड़ाई करने से जो होता है कि इसका ग्रोथ और जो इसके मिट्टी में उर्वरक शक्ति होते हैं ऊपर से नीचे करने से, तो इसमें अच्छा रहेगा। आप इसमें उस टाइम काउडंग भी मिला सकते हैं, अगर आपने नहीं मिलाया है अपने पॉटिंग मिक्स में, तो उस टाइम आप काउडंग मिला दें या वर्मी कंपोस्ट मिला दें, तो इस प्लांट के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे गुड़ाई करने से इस प्लांट में जो भी खरपतवार हैं, अगर साइड साइड से अगर ज़मीन में लगा है या तो पॉट में भी लगा है, तो नहीं होंगे और इसके जो मिट्टी हैं वो जो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो अच्छा रहेगा इस प्लांट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए कि मैं इसमें जो हल्का हल्का जो है इसमें गुड़ाई कर दिया हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि इसमें गुड़ाई करने के बाद DAP कितना मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये DAP का जो मात्रा है मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, देखिए बस अपने अनुसार ही ले लें। जैसा कि ये प्लांट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो DAP का जो दाना है आप 8 से 10 ले तो काफ़ी रहता है इस प्लांट के लिए, बस इतना ही लें। और इसे आप साइड साइड में डाल दें इसके गमले में, और इसे थोड़ा मिक्स कर लें। ज़्यादा DAP का मात्रा डालने से इस प्लांट को थोड़ा सा हानि हो सकता है, तो अपने आवश्यकता अनुसार ही डालें फ्रेंड्स, जितना बड़ा आपका जो प्लांट का साइज है। जैसे ये प्लांट के साइज के अनुसार आप 8 से 10 दाने भी डालेंगे तो कोई ख़राबी नहीं होगा, और बड़े प्लांट में आप थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, 15 से 20 भी। और इसमें मैं थोड़ा वाटरिंग कर दूंगा जिससे कि जो इसका DAP है इसमें जल्दी से मिल जाए और इसमें थोड़ा अच्छा होने लगेगा, इसका जो ग्रोथ है और जो इसका फ्लावरिंग है, इसको जल्दी से ही इसका पोषक तत्व तो मिलने लगेगा। देख सकते हैं कि ये जो मोगरा प्लांट है इसमें मैंने DAP अभी मिला दिया है, और इसमें मैं थोड़ा वाटरिंग कर देता हूँ। इसमें वाटरिंग मैं कम ही करूँगा क्योंकि इसके जो सॉइल हैं अभी, इसमें सॉइल में मॉइस्चर है, तो बहुत कम ही वाटरिंग करूँगा, थोड़ा सा वाटरिंग कर मैंने देता हूँ। वाटरिंग कर दिया है फ्रेंड्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हरा भरा है फ्रेंड्स, और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छा हुए हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि जो जास्मिन प्लांट होते हैं इसमें हम प्रूनिंग कब कब करें और कैसे करें, तो इसमें प्रूनिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अगर ऐसा होता है कि अगर आपके फ्लावरिंग जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, फ्लावरिंग होते ही नहीं है, इसका ग्रोथ होता ही नहीं है, तो उस टाइम में जो है आप प्रूनिंग करना आपको बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि इस प्लांट में जो ग्रोथ है वो 1 महीने के अंतराल के बाद होने लगेगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो फ्लावरिंग यहाँ से हुआ था इस ब्रांच में, तो यहाँ से मैं अगर प्रूनिंग कर दूंगा तो जो नीचे से इसका ग्रोथ है बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो ग्रोथ है यहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे कटिंग कर दें। नॉर्मल ऐसे कटिंग कर देने से क्या होगा कि इसका ग्रोथ जो है नीचे से होने लगेगा। यहाँ से भी मैं अगर प्रूनिंग कर लूँ, क्योंकि इसमें तो अभी फ्लावरिंग हो ही रहे हैं, अगर आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं तो आप हल्का प्रूनिंग कर दें, तो जिससे कि आपका जो प्लांट का ग्रोथ है बहुत ही अच्छा होने लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लांट से रिलेटेड तो
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।